बाइबल में लिखा है 10 कुमारियां अपने दूल्हे का वेट कर रही हैं। 5 तैयारी के साथ बैठी थी और 5 बिना तैयारी के। तैयार दूसरी तरह की तैयारी सबकी थी, पर आज भी चर्च में ऐसे ही बैठे हैं लोग। 5 तो पूरे रोज प्रेयर करते हैं, प्रभु मैं नहीं फंसूंगा, गलत चीजों को भी ना करते हैं, बुरी बातों को भी ना करते हैं, तैयारी के साथ। कुछ लोग अभी तो यीशु के आने में बड़ा टाइम है, कर लेंगे प्रार्थना, कर लेंगे सेवा। और जब यीशु कहते दूल्हा आया, सारी दौड़ रही है, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। 5 थोड़ी देर पहले नींद आ गई, ऊंग रही आया, लेट हो, 4 बज गए, अभी तक पास्ट खत्म नहीं, घड़ी देख रहे पा, खुद तो 12 बजे आया, अंदर से कुड़कुड़ाहट भी चल रही, हमें देखो 8 बजे से बैठे हैं, चाय भी नहीं दी अभी तक। हालेलुया। तो 5 क्या है, ऊंगने लगी, नींद आ रही है, लालटेन जला रखी थी, तेल खत्म हो गया, दूल्हा आ गया। इतने में 5 की लालटेन जल रही थी, वो थी थोड़ा तेल निकाल के हमें दे दे, हम भी, हमें भी दे दे, हम भी चलेंगे। कहते नहीं, हमारे लिए काफी है, तुम जाके बाजार से ले आओ। इतने में जिनके पास 5 की लालटेन जल रही थी, यीशु मसीह आता है, दूल्हा आता है, उनको ले जाता है। थोड़ी देर बाद आती है, तेल मांग के बाजार से भाग रही है, भाग रही है, दरवाजा बंद, खटखटा रहे, खटखटा, दरवाजा बंद, खुलता ही नहीं है। फिर रो रही थी, हाय हम क्यों नहीं नाइट प्रेयर में बैठे। हालेलुया। पास्टर जी तो बहुत बोलते थे, मेरा पड़ोसी भी कह रहा था, चल मैं नहीं, भावना मार दिया, मैं नहीं, नहीं। हालेलुया। ऐसी हाल होने वाला वहां पे, इसीलिए आप ब्लेस हो जो एक जागने वाली चर्च में बैठे हो, एक फायर वाली चर्च में बैठे हो। जब दूल्हा आएगा, यह चर्च उठेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।